ईश्वर विसन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन अजन्मा होते हुए भी लेकिन ये संसार में जन्म लेता हूँ। पर भगवान क्यों जन्म लेते हैं हमारे पुराण में इसके पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए। भगवान अजन्मा होते हुए भी क्यों जगत में जन्म क्यों हुए हैं, अभी मैं 10 कारण बताऊंगा और कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? और एक मन से सुनना और मेरे को, मैं देखूंगा कल मेरे को कौन बता बताए, ठीक है? ध्यान लगा कर सुनो। इसका पहला कारण ही बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले हे अर्जुन जब जब इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, गो ब्राह्मण स्त्री वेद साधु संतों के ऊपर में अत्याचार होने लगता है, मैं तब तब इसी जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को पावन करता हूँ। कभी ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। बोले भक्तों को ऊपर में मैं अनुग्रह कृपा करना चाहता हूँ। अगर भगवान जन्म नहीं लेते, अभी जो हम बैठ करके प्रभु की कथा सुन रहे हैं, कल भी बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, अगर भगवान जन्म नहीं होते क्या उत्सव मनाते? उत्सव घर में बैठ करके फिर दुनियादारी की इधर उधर की बात करते। इसलिए धीरे धीरे प्रभु ऐसे लाकी जैसे नरबर, जैसे कि छोटा बटा नटखट करता है, हैं? ऐसे ही भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी कैसे मक्खन खाए, कैसे मिट्टी खाए प्रभु, कैसे नटखट उन्होंने की है। अगर प्रभु नहीं करते फिर हमारा हम पर बैठ कर कथा क्या सुनते? प्रभु राम अगर इतने मीठी मीठी लीला नहीं करते फिर हमको शिक्षा कहाँ से मिलती? इसलिए भगवान भक्तों के ऊपर में अनुग्रह करने के लिए प्रभु ने जगत में अवतीर्ण हुए। कितना कारण हुआ? दो हो गया, ठीक से गिनना। तीसरा कारण बताए, हाँ, जब हम लोग ने श्रवण किया था, जब देवकी वसुदेव जिस कारागार में थे, प्रभु जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हम बालक रूप में प्रार्थना की थी, आप तो ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हो, क्यों? बोले तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रिश्नी और सुतपा थे, पेड़ से जो पत्ता गिर जाता था उसको खा कर 10,000 साल तपस्या की। मैंने कहा भैया बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप जैसे हमें एक लाला दो। कहते मेरे जैसे कोई होते ही नहीं जिनको वेद कहना है, न तत् समस्याभ्य अधिकस्य दिशते। मतलब भगवान से बड़े की बात को छोड़ दो, भगवान के बराबर भी जगत में कोई नहीं, वो असमर्थ तत्व है। बोले ठीक है मेरे जैसे है ना, मेरे जैसे तो और कोई है नहीं, मैं ही तुम्हारी बालक बन करके आ जाऊंगा, इसलिए मैंने ये चतुर्भुज रूप लेकर के दर्शन दिया और मेरे को लेकर के गोकुल में रख करके वहां पर एक बेटी है, वो बेटी को ले आना। इसलिए ये तीसरा कारण है। बोले चौथा कारण क्या है? बोले ये जो नंद और जसोदा, ये द्रोण और धरा थे, ये लोग बड़ी कठोर तपस्या ब्रह्मा जी की किए। ब्रह्मा जब संतुष्ट हुए बोले ब्रह्मा गो, बोले प्रभु जैसे स्वाभाविक रूप में एक बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है, आप भी मेरे पेट से जन्म लेना। जैसे मैया बच्चे को दूध पिलाती है, पल्ले में झुलाती है, हैं? उनको अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाती है, अगर कभी बदमाशी करे तो कान मोल देती है। मैं चाहता हूँ आप मेरे बालक बन करके आओ और मैं ऐसे ही आपको मैं प्रेम करूँ। ए बच्चे, ए ये दोनों पीछे आ जाओ, ए जा पीछे जाओ।
पीछे पीछे जाओ, जा पीछे जाओ, एकदम पीछे चल जाओ, कान पकड़ कर बैठो। देखो सामने बैठा हूँ, जो उल्टा पुल्टा करेगा चुप बैठ, ठीक है, एकदम चुपचाप बैठो, आंख बंद करके बैठो। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। इसलिए मथुरा में तो कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, लेकिन जन्म कहाँ हुए, उनकी जन्म उत्सव कहाँ हुई, गोकुल में। इसलिए बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए कृष्ण गोकुल में मैया जसोदा जिनको पल्ले में झुलाती है, दूध पिलाती है, उनको ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है। यदि ये चौथा कारण है, बोले पंचमा कारण क्या है, बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए थे, अभी रावण की बहन जो सुपर्ण खाती प्रभु राम रूप देख करके मुक्त हो गए और बड़ी सुंदर रूप धारण करके आए और भगवान राम को बोले मेरे से शुभ ब्याह कर ले। बोले मेरे तो पत्नी ऑलरेडी ये सीता है। इतने में लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए, वापस आया तो देखा ये बड़ा सुंदर है। बोले ये कौन है, बोले मेरे छोटे भैया है। बोले अभी कोई पत्नी नहीं, बोले अभी तो कोई पत्नी नहीं, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ। बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन मना कर सकता है, पूछ करके देख लो। लक्ष्मण को बोले तो लक्ष्मण बोले तुम अभी भैया से कुछ प्रार्थना कर रही थी, बताओ तू तो दासी बनना चाहता है रानी। बोले रानी, बोले मैं तो भैया का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना जिंदगी भर सेवा करते करते थक जाओगे, और कहा रानी बनने की तू स्वप्न देख रहे हो, जा प्रभु राम के पास में जा। फिर राम के पास में गई, फिर प्रभु इनकार कर दिए। देखा ये सीता जितने गड़बड़ी कारण है, इसलिए नए का बास नवे जी की मजदूरी, इसको ही हाथ खा जाती हूँ। जब सुपर्ण खा अपना स्वरूप में आ गई, राक्षस रूप धारण करते हुए प्रभु राम ने लक्ष्मण का आदेश दिया, उनने सुपर्ण खा को ना काटा। बोले भैया नाक काटे, शादी करना नहीं छोड़ दो, उसका नाक क्यों काट दिए। कहते जो लक्ष्मण है ये गुरु है, बोले गुरु का काम है शिष्य को उपयुक्त बनाए और ठाकुर जी को सेवन लगाए। लक्ष्मण समझ गए ये प्रभु को अपना हृदय में बैठा ली, अब प्रभु ही इनको स्वीकार कर दी, और जो प्रभु की बन जाए ना फिर वो और किसी को नहीं बननी चाहिए। एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसको ना काट दो दुनिया में, उसको फिर कोई पूछेगा, उसको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। इसलिए लक्ष्मण बोले तू और किसी की बन करके मत रहना, रहना तो राम की बन करके रहो। फिर वही कृष्ण लीला में फिर ये कुजा बन करके आती है, भगवान कृष्ण इसकी इच्छा पूरी करते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ये एक कारण है, कितना कारण हो गया मास्टर जी? हाँ जी, ये सही श्रोता है। हम चाहते हैं ना तो जो गुरु जी है वो किसी को चाह नहीं बनाते हैं, वो सबको बन देते हैं। जैसे मास्टर बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है, किसी को स्टूडेंट नहीं बनाती, सारे स्टूडेंट को क्या करती, टीचर बना देती है ना, हर स्टूडेंट को टीचर बना देती है। उसी तरह जो संत है ना वो दूसरों को संत बना देते हैं। हम यही चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कथा करके जाने के बाद यहाँ पर ऐसे एक व्यक्ति बने जो ये भक्ति धारा को आगे बढ़ाए, ये भक्ति धारा को आगे बढ़ाए। हम यही चाहते हैं भगवान की भक्ति को प्रचार करे गांव गांव में, सबको भगवान की भजन में लगाए, सबके सब ठाकुर जी की भक्ति करें और जीवन में शांति सुख में रहे, हमारी यही इच्छा है। ठीक है ना, ठीक है महाराज जी। हाँ, सारे कथा को लेना और हमारी बात में घर घर में जाना और भक्ति प्रचार करना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। Yeah.
कितना कारण हुआ? पांच कारण हुआ और अब दस नहीं हुआ। उसका छठवां कारण कहते हैं, बोले जिस समय भगवान राम जनकपुरी में गए, इतने में राम ने बस विश्वामित्र जी से बोले, बोले गुरु जी हमें आदेश दो, थोड़ी जनकपुरी दर्शन करना है। बोले दर्शन करके नहीं, दर्शन दे करके राम। अभी राम लक्ष्मण जिस गली में जाए, प्रभु का रूप एक बार देख निहाल जाए। और हला मचा दे, क्या दो बालक आए हैं, एक नीलांबर बनकर के और एक पीतांबर, एक श्याम रंग के और गौर रंग के, दोनों का हाथ में धनुष बाण, क्या सुंदर। जनक जैसे महाराज भी जिनकी रूप को देख करके, पहले जनक महाराज जी ये बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति रूप में मानते थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु राम को दर्शन की, गोस्वामी जी कहते हैं, बोले इन्हें बिलो कत आती हर सीता, इन्हें बिलो अति हसिता बराबर ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अभी तक जो भगवान को निराकार 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 बोलते थे, भगवान राम को दर्शन करते ही हृदय से अपने आप ये निराकार रूप अंतर ध्यान हो गया और भगवान राम का रूप में एकदम डूब गए। फिर जनक महाराज ने देखा ये राम कौन है, ये ब्रह्म नहीं ये परम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं ये कौन है परम ब्रह्म है, क्योंकि इनको दर्शन करते ही अपना हृदय में जो भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति में मानता था वो अपने आप कहीं अंतर ध्यान हो गया और इनकी रूप में ब्रह्म तन मन सब इनकी रूप में डूब गया। इसलिए जनक महाराज ने देखा कि जो सीता के ना यही पति बन सकता है, यही पति बन सकता है, क्योंकि सीता ने जो धनुष को 400 व्यक्ति उठाते, सीता एक हाथ उठा के उसको नीचे और लिपटा पुता लगा लेती थी। जनक महाराज समझ गए थे ये सीता साहरण नहीं, ये जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी सवरी सीता ठाकुरानी। वो लक्ष्मी अभी लक्ष्मी को कौन शादी कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। वो समझ गए जो राम है ये कौन है, राम जी ये नारायण है। इसलिए उसी समय प्रभु राम का रूप देख करके सारे जितने जनकपुर से कुआं थी सीता की सहेलियां वो सबके सबके प्रभु का दर्शन करने के लिए आए और प्रभु का दर्शन कर रहे थे। फिर कोई छत के ऊपर खड़ी होकर के प्रभु का दर्शन कर रहे थे, लेकिन भगवान राम कभी भी पराई स्त्रियों को पर में कभी नजर नहीं देती, कभी भी प्रभु सर उठाकर कभी नहीं देखे, समय सर को नीचा करके प्रभु चलते थे। इतने में छत ऊपर में जो सूर्य थी अभी वो सोच रही थी थोड़ी प्रभु को दर्शन करे, लेकिन प्रभु तो सर नीचे किए। इतने में उन लोगों ने थोड़ा खांसी खांसे मतलब प्रभु जो था ऊपर में सर उठाए तो प्रभु का दर्शन हो जाए, लेकिन प्रभु सर ऊंचाई नहीं कर रहे थे। कहते लक्ष्मण कौन है,
बोले गुरु जी। बोले गुरु जी का काम क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाए। अभी लक्ष्मण जी भैया से प्रार्थना की, राम जी से, बोले प्रभु थोड़ा सर ऊंचा करके देखो। बोले लक्ष्मण ये मायापुरी है, खबरदार सर ऊंचा नहीं, सर नीचा करके चलो। लेकिन लक्ष्मण बारंबार प्रार्थना की, प्रभु एक बार ऊंचा करो, एक बार करो। इतने में भगवान राम जब सर को ऊंचा किया ना, वो जितने सब कुमारियां थी प्रभु राम रूप देख रहे सब के सब बेहोश। जब बेहोश हो गई, जब उनकी होश आई ना, सबके सब राम को पीछे पड़ गए, हमसे शादी कर लो। राम ने लक्ष्मण को बोले देखिया, पहले तेरे को मैं मना करा था ना, अभी देखो क्या करो, हैं अभी शादी करो। इतने में राम ने कहा देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इसी अवतार में सीता के सिवाय मैं और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ और तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की, ये एक कारण है भगवान जन्म कृष्ण रूप में क्यों आए। कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, छह हो गया, छह हो गए, ठीक है, छह सात हो गए। हाँ, उसका आठवां कारण सुना, जब भगवान 11,000 साल तक प्रभु राम किसी जगह में रहे, लेकिन हर साल वो एक यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु राम अगर बनी तुम यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन राम ने क्या किया था, सीता को उन्होंने वनवास दे दिया था। बोले क्यों वनवास दी, दे दी वनवास उनको, हैं आप लोग रामायण पढ़े होंगे पता होगा, कोई एक धोबी थी वो अपना पीहर गई, पीहर से जब आ रही थी उसको एक नदी पार करना पड़ता था, लेकिन वो आते समय हो गया था शाम और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, केवट ने मना कर दी रात को मैं नदी पार नहीं करा सकता हूँ, शाम हो गया। अभी मजबूरी में उसको एक रात केवट के घर में उसको बिताना पड़ा। जब दूसरे दिन दीन और धोबी ने आई, पति ने पूछा तुमने पिछले रात कहाँ थी, बोले ऐसे बात है, बोले जिसको घर में तुमने बिताई उसी घर में जीवन बिता, मैं राम नहीं हूँ, रावण सीता को उठा करके ले गया लंका में एक साल तक रखा, जब वो वापस आई है प्रभु राम ने किया गया उसको बराबर आसन दे दिया, मैं राम नहीं हूँ। लेकिन अब सब रामायण पढ़े तो देखोगे रावण जी सीता को उठा कर गए ले गया था, वो सीता थी नहीं, वो थी माया सीता। अब रामायण देखे होंगे जब सीता को प्रभु राम लंका से वापस लाए, लक्ष्मण को बोले चीता से आओ, बोले क्यों, चीता की परीक्षा लो। इतने में लक्ष्मण इतना भड़क गया, बोले क्या एक दुष्ट एक स्त्री को जबरदस्ती अगर कोई उठा कर ले जाए, और इतना कष्ट करते हुए माता सीता एक साल तक लंका में बिताए, कितने कष्ट की, वो मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए आपका विद्रोह में मैं विद्रोह कर सकता हूँ आपका नाम पर। इतने लक्ष्मण भड़क गए, फिर राम ने सारी बात बताया, लक्ष्मण ये जो सीता है ना वो सीता है ही नहीं, रावण आने से पहले मेरे को पता चला गया था, मैंने अपना सीता को अग्नि की साखी में अग्नि की शरण में रखा है, और जो अग्नि परीक्षा नहीं मैं असली सीता को वापस लूंगा, वो जो नकली सीता वो अग्नि में प्रवेश करेगी, वो सीता थी नहीं। क्यों, सीता कौन है, जगत बा जगत माँ लक्ष्मी है। मेरे शास्त्र कहता है अपाक्त वस्तु न है प्राकृत गोचर, मतलब है जो दिव्य वस्तुओं को राक्षस लोग दर्शन कर ही नहीं सकते हैं, उनको छूने का बाल छोड़ो उनको दर्शन भी नहीं कर सकता राक्षस है। लेकिन ये बात उनको बता ही नहीं था, इसलिए वो धोबी ने, वो धोबी ने को उनको त्याग दी है, उसको त्याग दी। इसलिए भगवान राम भविष्य में जगत का स्त्री लोग सती बन कर रहे,
ये आदर्श को प्रभु स्थापन करने के लिए इन्होंने माता सीता को सारा जीवन के लिए उन्होंने उनको त्याग दिया है, सारा जीवन के लिए प्रभु त्याग दी। इसी कारण से जब त्याग दी, अभी हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ किए। वशिष्ठ जी ने कहा बगैर पत्नी के कर ही नहीं सकते हो, पिताजी का तो तीन पत्नियां थी और तू और एक शादी कर ले। बोले नहीं, ये राम सीता सिवाय और किसी को ग्रहण नहीं कर सका है। देखो ये जगत में है ना, कभी अगर मैं पुरुष लोगों के लिए प्रभु राम सिखा दे और स्त्रियों के लिए भी प्रभु सिखा दिया, दोनों के लिए प्रभु सिखा दिया। जगत में सिखा देते ही, जब हम एक बार शादी कर लेते हैं, पर शादी करने का बात और दूसरा बार शादी मत करो, मना करते हैं। अपना सहधर्मी को साथ ही अपना जीवन बिताओ। ऐसे नहीं हमारी शादी हो गई और किसको साथ हम घूम रहे हैं और किसको लेकर के हम घूम रहे हैं, नहीं। भगवान ने ये चीज को मना की है ठाकुर ने। लेकिन प्रभु राम ने जब सीता को त्याग दी, सीता फिर क्या और किसको शादी कर ली? नहीं, उन्होंने प्रभु राम के सिवाय और किसी को उन्होंने हृदय में ग्रहण नहीं की। इसलिए माताओं के लिए भी शिक्षा देते हैं, जब हमारी शादी हो जाए, हम आगे सुनेंगे, जब कृष्ण बंसुरी बजाए, जब गोपियों ने सब कुछ घरवार छोड़ कर आए, भगवान कृष्ण यही शिक्षा दिया, पति जो कुछ होना क्यों, लंगड़े लुढ़े निकम्मा जो कुछ क्यों नहीं हो, स्त्री के लिए पति परमात्मा है, स्त्री के लिए पति परमात्मा है, पति की ही एक निष्ठ होकर के पति व्रता नारी की धर्म है, पति की ही सेवा करे। इसे दोनों को उन्होंने ऐसे शिक्षा दिया है। इसलिए और कोई उपाय बताओ, बोले सोने की सीता बना करके, तुम दोनों अलग बैठो, अलग बैठो दोनों, सोने की सीता बना करके आप यज्ञ कर सकते हो। इसलिए भगवान राम सोने की सीता बना करके उसको बाम पास में रख करके यज्ञ की, और वशिष्ठ जी उनका अंदर में शक्ति संचार प्राण संचार कर देते थे। भगवान राम 11,000 साल तक रहे, हर साल एक एक सीता को उन्होंने बनाए। भैया इतने सीता सब गए कहाँ? 11,000 सीता गई ना, ये सबके सब कृष्ण लीला में ये सबके सब गोपी बन करके आते हैं और भगवान कृष्ण ये सब को स्वीकार करते। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं कृष्ण और इसे के देवता है ना भगवान कृष्ण, उन्होंने किसी को छोड़े ही नहीं। किसी रूप में अगर उनको पास में कोई आ गए, किसी रूप में एक बार बोल दे प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, ठाकुर जी तो ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे हमारे श्री बांके मेरे बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे श्याम। ये भी एक कारण है, कितना हो गया? 8 हो गया। नवमा कारण बताए बोले जिस समय कल अब लोगों ने दर्शन किया, जब बावन देव बलि महाराज का घर में आए, बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रनमाला। माता का स्वभाव है अगर कोई सुंदर किसी बच्चे को दर्शन करे, बड़े सुंदर, उनकी मन में इच्छा होती है हम इसको गोद में लेकर के प्यार करें, ये हर माताओं का स्वभाव है। अभी बलि महाराज की जो बेटी थी, इसकी मन में इच्छा हुई बामन देव को दर्शन करके, अगर मेरा ऐसे के लाला होता है ना, दिन भर उसको मैं प्यार करती। लेकिन जब भगवान बामन देव दो पग में विश्व ब्रह्मांड को ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, तब उन्होंने गरुड़ जी को बुला करके उनको नाग फांस बंधन में बांध दिए। अभी उनकी बेटी सोच रही है तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का था सब कुछ ले लिया, फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया, बोले अगर तुम्हें बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं बीस पिलाऊंगी। इसलिए वही भय कृष्ण लीला में ये पुतना बन करके आती है और भगवान उसकी तन में जहर को पान करते हैं
और उनको भी अपना चरण में प्रभु स्थान देते हैं। बोले ये नवमा कारण है। दसवां कारण है, बोले एक समय ब्रह्मलोक तक भगवान विष्णु की चरण तुलसी और चंदन ये वैकुंठ से इसकी सुगंध ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के चार मानस पुत्र है, सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार। जब इन्हीं नासिका में प्रवेश किया, इतना सुंदर सुगंध, उन्होंने पिताजी की पूछा, पिताजी इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहे हैं? बोले वैकुंठ है भगवान की चरण तुलसी चंदन की खुशबू। बोले जिनकी चरण की इतने सुंदर खुशबू, वो कितने खुशबू नहीं होंगे, कितना सुंदर नहीं होंगे? बोले हाँ बच्चे बड़े सुंदर है। बोले पिताजी एक बार दर्शन करके आए। बोले जाओ दर्शन करके आओ। कब सात दरवाजा पार होने पर प्रभु का दर्शन मिलता है। छह दरवाजा तो पार हो गए, अभी सप्तम दरवाजा पे पहुंचे, वहां पर जय और विजय, ये वैकुंठ के दो द्वारपाल खड़े थे और नंगे धड़ंगे किसको पूछने जाए हैं, अंदर में घुस जा रहे थे। इतने में जय विजय ने देखा, पता नहीं प्रभु भी लक्ष्मी को साथ में किस रूप में होंगे, तो बिना पूछे अंदर मल में घुस रहे हैं। उन्होंने छड़ी लेकर के ऐसे रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो भैया? पूछो सही, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? प्रभु किसी स्थिति में जैसे सोए हुए किसी सर्प को छेड़ दो ना, ऐसे छेड़ दिए तो वो तो भनक गई क्रोध में आकर के। बोलिए वैकुंठ लोग है, वैकुंठ का मतलब क्या? जहाँ पर कुंठा नहीं, जहाँ पर जन्म मृत्यु भय डर, जहाँ पर शोक नहीं। और हम जैसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए पूछने का जरूरत है, हम तुम दोनों को अभिशाप देता हूँ, तो दोनों राक्षस जन्म में चले जाओ। इतने में वो रोने लग गए। प्रभु जी रोना सुनकर बाहर आए। बोले क्या बात है? बोले प्रभु ये दोनों हमें अभिशाप दे दिया, राक्षस जन्म में जाओ। भगवान बोले देखो दो रास्ता है, अगर तुम मेरे भक्त बन करके जाओगे ना, सात जन्म को बाद में आओगे। अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे, तीन जन्म बाद में वापस आओगे। बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके पास में हम चले आए। बोले जाओ राक्षस बन करके जाओ। वही जय और विजय पहला अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, जिनको भगवान बराह और श्री नरसिंह अवतार में बंद किया है, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, जिनको प्रभु राम ने बध किया है, और तीसरे अवतार में कदीय शिशुपाल और दंत वक्र बने, और भगवान श्री बांके बिहारी ने उनको उद्धार किया, श्री कृष्ण ने उनको उद्धार किया। इसलिए इस जगत में कृष्ण आने का ये एक कारण है। कितना कारण हो गया? कितना हो गया गिने की नहीं बोल पाओगे? कल बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में प्रकट हुए हैं, आज हम सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए। ये कथा बड़ी प्यारी कथा है। कहते नंद बाबा का जो पिताजी, उनका नाम था श्री परजन बाबा, उनके थे पांच बच्चे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। पहले ये नियम था चार आश्रम में, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले हर व्यक्तियों को अभी जैसे स्कूल में जाकर पढ़ते हैं ना, पहले नियम था सबको गुरुकुल में जाना पड़ता था, 25 साल तक अध्ययन करते थे। उसको बाद में गुरुजी प्रश्न करते थे, बेटा बताओ अभी क्या करोगे? जिसको ये ज्ञान हो जाता था ये मानव शरीर 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है, ये जन्म बारंबार नहीं मिलता है, और इसी जीवन में ही हमें मुक्ति प्राप्ति करना है, प्रभु को प्राप्त करना। फिर वो घर में वापस नहीं आते थे, बोलते थे गुरुजी हम तो आपकी आश्रम में रह करके भगवान की भक्ति करते हुए मुक्ति के मार्गों को प्रशस्त करना चाहते हैं। वो गुरुजी के आश्रम में रहते थे
और जिसको ज्यादा संसार की इच्छा, माया संसार की, वो संसार के बगैर रह नहीं सकते हैं। गुरु जी बोलते थे बेटा अभी तुम घर चले जाओ और लव मैरिज नहीं करना, लव मैरिज नहीं। पिता माता जैसे कुल धर्म वर्ण के अनुरूप देख करके शादी करो, क्या करो 50 साल तक अपना घर गृहस्थ निभाओ, 50 साल से ज्यादा नहीं। और 50 को बाद में ये भागवत कहता है 50 ऊर्ध्वम व्रज, भागवत का श्लोक है, मतलब 50 साल को बाद में शास्त्र बना करता है और घर में मेरा हो जाओ वृंदावन में भजन करो, क्योंकि ये जो जीवन प्रभु ने दिया है भजन के लिए दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को उठा न लगे कपास, प्रभु का भजन के लिए तो आए लेकिन हम उल्टा काम में हम लग पड़े। इसलिए कितने साल तक गृहस्थी 50 साल, उसको बाद में नहीं। इसलिए देखो उसको बाद में जो अंक है 51 मतलब घर में नहीं बन बड़ा बन बाग बन चौ बन, ये बन बन शब्द आता है। इसलिए 50 बाद में घर में नहीं जाओ, जिस काम के लिए प्रभु तुम्हें मानव शरीर दिया था वो काम को प्रशस्त करो, मुक्ति की मार्ग देखो है। अगर वन में नहीं गए भजन नहीं की उसको बाद में 68 61 62 63 64 65 66 बन जाओगे, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं। बांस जब कच्चा हो ना वो जिधर टेढ़ा करना कर सकते हो, बांस जब पक जाए टेढ़ा होता है वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। मतलब ये मन है ये इतने संसार में पक जाते हैं लेकिन ये मन को प्रभु का भजन नहीं लगा सकते हो, ये बहुत बहुत कठिन है। इसलिए उसको बाद वो कहते 68 फिर कहते 69 70 71 72, मतलब इसलिए अगर जीवन में तुम्हें कहीं संतों की संग मिल गई, गोस्वामी जी कहते हैं सठिया तो बन गए हाँ पक गए और तो भजन नहीं होगा, और क्या करो अगर ये नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले 60 सो घरे सात सात पाए प्रभाव। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो सत संग विवेक न हो, सुलभ ना सोई
तीनों सत्संग विवेक ना होई और राम की कृपा न सुलभ ना होई। जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में संतों का दर्शन नहीं मिलता है, और जब तक संतों का दर्शन नहीं मिले तब तक कल्याण नहीं, विवेक नहीं। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, इसलिए 50 साल के बाद क्या करनी चाहिए, 51, 52 है ना, 51 और 52 मतलब बन में वृंदावन में जाओ भजन कर। ध्यान देखो, अगर हम वृंदावन नहीं जा पाए, ऐसी कोई परिस्थिति पड़ी, अगर वृंदावन नहीं जा पाए, अरे कम से कम अपना घर को तो बनाओ, अपना घर में तो बैठी बैठी कर गीता रामायण भागवत थोड़ा भगवान का नाम तो जप करो ना, बड़े बूढ़े को बीच में बैठ कर ताश खेलेंगे और गुटखा पिएंगे और दुनियादारी बात करेंगे। भैया ये जीवन इसीलिए नहीं है, भगवान राम कहते हैं अगर इसी जीवन में तुमने नहीं सुधारी फिर तो तुमको 84 लाख जन्मों गद्दे कुत्ते स्वर बनना पड़े, समझ लो। तो इसलिए जीवन रहते रहते एक जो श्वास जा रहा है वो एक जो श्वास नहीं, ये मानव शरीर नहीं, ये एक कोहिनूर हीरे हैं, ये कोहिनूर हीरे हैं, ये मानव शरीर नहीं, जो एक एक श्वास जा रहा है ना, करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास तो हम वापस नहीं ला सकते, और एक एक जो श्वास मानव शरीर की ये बहुत अनमोल है। तभी ये श्वास की सार्थकता है जब हम हर श्वास में प्रभु का नाम को ले, प्रभु की नाम को ले। इसलिए श्री नंद श्री परजन बाबा की उम्र जब 50 साल होगी, एक दिन उन्होंने सारे बच्चों को उन्होंने बुलाया, बोले देखो बच्चों हमें 50 साल हो गया है, शास्त्र कहता है 50 साल के बाद में घर में मत रहो, मना करता है, वन में जाओ भजन करो, हम दोनों पति पत्नी हम जाना चाहते हैं वृंदावन में भजन करना चाहते हैं, जो सबसे जो बड़ा बेटा को हम चाहते हैं राज सिंहासन में बैठा है और हम भजन के लिए जाए। बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का जो योग्य मेरे में नहीं, ये जो बीच वाले जो नंद हैं इसके अंदर राजा बनने का योग्य, अब इनको राज सिंहासन में बैठा दो। सारे प्रजा प्रसन्न हो गए, बोले उन्होंने बात सही बात बताई, उन्होंने बीच बैठे नंद थे उन्होंने उनको राज सिंहासन में बैठा दिया। बैठा करके अभी पति पत्नी दोनों भजन करने के लिए चले गए, अभी 4 बच्चों का संतान लेकिन एक श्री नंद बाबा का कोई संतान नहीं। इसलिए नंद बाबा बड़े चिंता में है भविष्य में ये राज सिंहासन को कौन संभालेगा। इसलिए बहुत सारे तीर्थाटन के उन्होंने यज्ञ किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, घर में एक बच्चा की जन्म हो जाए लेकिन घर में कोई बच्चा जन्म नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, भगवत इच्छा से कुछ संत लोग ब्रज में आए और श्री नंद बाबा को बोले नंद बाबा जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, लकीरी मतलब होता है भाग्य, तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है अगर कोई सचमुच से शुद्ध संत हो अगर उनकी मुंह से कोई वाणी निकल जाए ना, भगवान भी अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके भक्तों की प्रतिज्ञा को ये रक्षा करते हैं, क्योंकि संतों का हृदय में ही भगवान की निवास संतों के हृदय में। जब उन्हें संत सेवा की बड़ी महिमा बोले नंद बाबा के भैया जब गदा बहते बहते घर तो सामने आ गई पर यहाँ पर गोता क्यों नहीं लगा ले, मतलब कुछ दिन ये संतों की सेवा क्यों नहीं कर ले। बोले भैया गोकुल में किसी चीज की कमी नहीं, रोटी पानी हम मठा की कोई कमी नहीं, कुछ दिन ये गोकुल में रहो खूब प्रसाद भोग लगाओ और यहीं पर भजन करो। बोले भैया जो यहीं पर खाना पानी सब मिल जाए रोटी पानी, फिर कुछ दिन गोकुल में ठहर जाओ, और गोकुल में बड़े ठहर कर भजन कर रहे हैं। एक दिन इनको पता चला नंद बाबा का घर में कोई लाला नहीं है, इसे ये बड़े चिंतित घर में के लाला की जन्म हो जाए। संत लोग चर्चा कर रहे थे इतना दिन से नंद बाबा का रोटी पानी खा रहे हैं लेकिन अभी तक इनके घर में कोई बाल बच्चे का जन्म नहीं हुआ। एक दिन ये बात कर रहे थे
एक ब्रजवासिनी को सुन करके नंद बाबू बोले, बोले नंद बाबा मैंने सुना है ये संत लोग आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, नंद के घर में लाला कब है, वो इसके घर में छोरा कब जन्म होगा। बोले तुमने ये बात तो सुनी। बोले अभी अभी सुन करके आ रहा हूँ। बोले भैया जब संत लोग कहते हैं मेरे घर में लाला कब है, वो संतों का वाणी कभी झूठा नहीं होता है, जरूर मेरे घर में लाला का जन्म हो जाएगा। इसलिए भैया संतों की चकाचक संतों की सेवा करो। सचमुच से मैया जसोदा की उम्र निकल गई थी बच्चा होने की। एक दिन नंद जसोदा दोनों ये ब्रह्मा मुहूर्त में एक सुंदर स्वप्न देखा। बोले श्याम चंचल चारु दीर्घन बाला। अगर ब्रह्मा मुहूर्त में कोई स्वप्न देखते है ना, कभी कभी वो स्वप्न सही हो जाती है। दोनों की नींद खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे। हरे कृष्ण। ए बच्चा वो ऊपर का माइक लगा दिया, अगर चल रहा है चला है ना। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में कोई स्वप्न देखना वो स्वप्न कभी कभी सही होता है। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने बड़ा एक सुंदर स्वप्न देखा है। जसोदा बोली नंद बाबा को बोले मैं भी एक स्वप्न सुंदर देखा। बोले तुम पहले स्वप्न की बात बताओ। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरे गोद में श्याम रंग का एक सुंदर बालक स्तन पान कर रहा है। स्तन पान करते समय उनको दोनों धारों से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। मेरे को स्वप्न ही लगा सचमुच से तेरे गोद में एक लाला। जसोदा बोली मेरी बात सुना। बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा एक श्याम सलोना सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे मैया मैया करते करते आ रहा है और कपड़ा खींचते हुए बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला ले। वो मचल रहा था और सचमुच से उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भधारण की और ब्रज में पूरा हल्ला हो गया। भैया मैया जसोदा को संतान जन्म देने वाले। बोले भैया संतों सेवा तो बड़ा प्रभाव है। मैया जसोदा की उम्र निकल गई थी बच्चा होने का, लेकिन इस संतों की वाणी में सेवा में इतने शक्ति है। उसी उम्र में भी मैया जसोदा गर्भधारण की और जिधर जाओ ना संतों का बड़ी नाम हो रहे हैं। पहले तो सोच रहे थे पता नहीं बाबा लोग कहाँ से आ गए, अभी जहाँ जाओ ना रास्ता में राम राम बाबा दंडवत सारे गांव तारे भी करने लग गए। और जितने ब्रज की माराएं थी ना छह महीना पहले चौरासी गज की लहंगा चुनरी बड़े सुंदर गहना बना करके रखे नंद के लाला है वो, तो हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने ब्रजवासी थे पुरुष लोग बगलबंदी धोती पगड़ी बना करके रखे, पहले हम इसको पहन करके हम नंद बाबा को बधाई देने जाएंगे। अभी नंद बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा। सुनंदा आकर के घर का सारे काम काज को वही संभाल रही थी। कुछ बड़ी बड़ी गोपियां थी मैया जसोदा से बोली, बोले मैया जसोदे तुम ये बताओ तुमने कुमारी पड़ में तुमने जुड़े में केला केला तो नहीं खा ली थी। बोले क्यों। बोले ऐसे लगता है तुम्हें गर्भ में दो बच्चे होने वाले हैं। फिर तो डर गई, पहला बार बच्चा होगा अब कोई बोले तुम्हारे पेट में दो बच्चे वो डर गई। बोले चिंता मत करो राम जो करेगा अच्छा ही करेगा, कोई चिंता मत करो। एक बड़ी बड़ी गोपी बोले मैया लगता है तेरे गर्भ से एक बालक की जन्म होने वाला है। बोले तेरे को पता कैसे चला। बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे गर्भ में बेटा जन्म होने वाला। गर्भ में जो बच्चे होते हैं माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है, एकदम प्योर गैया की दूध में आज जो किशमिश बादाम डाल करके बड़े सुंदर घी मिश्री डाल करके खीर बनाई और उसे सालग्राम को भोग लगाई और मैया जसोदा को वो खीर खिलाई गई। अभी ऐसे लग रहा था मानो आज रात को
ही ये बालक का जन्म हो जाएगा। अब देखना गांव में 8 बजे तक सब जगे रहते हैं, उसके बाद में खा पी करके सो जाते हैं, हैं? अभी बोले एक काम करो, 2 घंटा 2 घंटा का ड्यूटी लगवा दो, पता नहीं बालक की कब जन्म हो जाए। अभी 8 से लेकर के 10 बजे तक जिनको ड्यूटी लगाए, बोले ढोलकी लो, मजीरा चिमटा लो और प्रभु का कीर्तन करो। उन लोगों ने तो कीर्तन की, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय, लाइन रहा ना की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय जिनको ड्यूटी लगाई जोग माया ने सबको उन्हें सुला दी, कहां चिमटा गिरी, कहां ढोलकी गिरी, किसको कोई पता ही नहीं पड़ा। इतने में मैया जसोदा पता नहीं कब उन्होंने लाला को जन्म दिए और कब श्री मथुरा से श्री वसुदेव महाराज कब आए, उनने अदला बदला करके बच्चों को कब चले गए किसको पता ही नहीं। सबके सब जो माया सबको सब सुला दी। एकदम सवेरे सवेरे श्री सुनंदा जी की आग ली, बोले भैया भाजी का क्या हालत तो देखो। उनने दरवाजा खोल करके देखा, मैया जसोदा की गोद में श्याम रंग की एक सुंदर बालक पौड़ रहा है और किलकारी मारते हुए खेल रहा था। अभी सुनंदा सोच रही है ये पहला ये खबर है श्री नंद बाबा को देनी चाहिए, फिर मेरे को 9 लाख हार मिलेगी। लेकिन नंद बाबा देखो कहाँ पर, उन्होंने भ्रमण करते करते पहुंचे ब्रह्मांड घाट में, देखा श्री नंद बाबा बड़े बूढ़ों को बीच में बैठ करके माला जप कर रहे थे। माला जप तो नहीं हो रहा था, वो सोच रहे थे घर में छोरा की कब जन्म होगी, घर में लाला की जब जन्म कब होगी। इतने में सुनंदा ने जा करके बोल दिया, बोले भैया कमाल है गए हुए, इतना बोलते ही तो नंद बाबा छलांग लगा दिए। बोले बहन कहा गए हुए, बोले पहले ये बताओ मेरे को मिलेगा क्या। बोले जा तेरे को मैं 9 लाख हार दूंगा, बताओ घर कहा गए हुए। बोले भैया बात इतने बड़ी, इसको सामने ये 9 लाख हार भी कुछ नहीं। बोले इतने बड़ी बात, बोले हाँ, बोले और बता दे क्या दोगे। बोले जमुना किनारे में वो जितना गैया चरते ना, वो जितने खेती वो सारे खेती तेरे नाम पर लिखा, बताओ घर में कहा भाई हो। बोले भैया बात इतने बड़ी है, जिसको सामने वो खेती भी कुछ नहीं, बताओ और क्या मिलेगा। बोले ट्रेजरी का सारा चिकट तू ले, जो इच्छा वो खोल कर लेना, लेकिन बताओ तो सही घर पे कहा भयो। बोले भैया बात इतने बड़ी, जिसको सामने तुम्हारे ट्रेजरी का चाबी काट पूछ ली, क्या इतना बड़ी बात। हाँ बोले और कहा दिखा दोगे। बोले आज से मैं तेरा ही हो गया, बता तो घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में
लाला भयो ए भले श्री नंद के लाला की भगवान जन आनंद नहीं आ रहे भले श्री नंद के लाला की भले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राधे नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए वहीं से भगे ब्रजवासी बोले बाबा जीवन में पहला बार लाला का मुख दर्शन करोगे सारे ब्रजवासी आएंगे अरे साथ सजा जी करते जा अरे सुंदर बलव धोती पगड़ी तिल गले में माला पहना दी बोले जाओ अभी जाकर लाला को दर्शन करो नंद बाबा पहला बार लाला को मुख दर्शन करके उन्होंने संकल्प कर लिया ब्राह्मण और संतों को 20 लाख गैया में दान दूंगा और 7 तील का पर्वत जिसको ऊपर में मखमल कपड़े ओढ़ करके साधु और ब्राह्मण को दान दूंगा क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें ये बूढ़े उम्र में लाला का मुख दर्शन करने को मिलो है पहले संतों को ब्राह्मण को बुलाओ स्वस्ति वाचन पढ़वा करके बच्चे को पहले आशीर्वाद दो सब ब्राह्मण सब लोग बच्चे को खूब आशीर्वाद दिए जुग जुग जियो रे जसोदा मैया सेव ललना तेरे लाला जुग जुग जीते रहे खूब हलते फुलते रहे दिन दो गुना रात चौगुना बढ़ते रहे खूब संत वैष्णव और साधु आशीर्वाद दिए नंद बाबा बोले काम करो पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो सारे ब्रजवासी मेरे लाला को बधाई देने के लिए आए इसको सुन करके जितने गोपियां थी 84 गज के लहंगा सुंदर चुनरी ओढ़ करके मक्खन मिश्री दही दूध हैं ले करके अपना सर के ऊपर मटकी रख करके सबके सब गोपियां भागते भागते आ रही थी जब आ रही थी उनकी कान में जो कुंडल थी ना वो कुंडल बड़े जोर जोर से हिल रहा था बोले क्यों बोले कुंडल ये बता रहा था तुम लोग पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो हम जा करके पहले लाला को दर्शन करें कहते चोटियों में जो सुंदर सुंदर फूलों की श्रृंगार की थी और एक एक फूल गिरते गिरते चरणों के ऊपर पड़ रहा था बोले क्यों बोले जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को बधाई देने जा रही है उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए अगर चोटी में रहेंगे फिर खोल करके यमुना में बहा देंगे अगर ब्रज रज में मिली जाएंगे एक दिन ये गोपियां कृष्ण जब ठुमुक ठुमुक करके गली गलियों में प्रभु लीला करेंगे उनकी चरण की प्रसन्नता प्राप्त होगी और गोपियां जाकर के मैया जसोदा को बधाई दे रही थी हरि बोल इधर सुना जितने माता है इधर कथा सुन रही थी गप्पी मार रहे हो कथा सुन रही ना हाँ देखो तुम लोग मैया जसोदा के दल के हैं और ये इधर तरफ से नंद बाबा का दल के हैं अभी मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो ठीक है तुम लोग गोपियां हैं जसोदा के दल के और तुम लोग बोलना बधाई हो क्या बोलोगे जोर से अब मैं अभी बोलूंगा तो बाद बोलना जोर से बोले मैया जसोदा बधाई हो क्या आज कोई व्रत रखे हो अगर किसी गांव में झगड़ा हो ना दूसरे गांव से पता चलता भैया घर में जा रहे हैं और तुम वहां से बोल रहे हो मेरे तक सुनाया नहीं पड़ता है अभी इनका नंबर आएगा तुमको हार नहीं चाहिए ठीक है ना अभी ये लोग भी बोलेंगे इतने जोर से बोलो जैसे राधा रानी की जयकार हो ठीक है बोले मैया जसोदा बधाई हो अभी जितने ब्रज मैया जसोदा बली गोपियों से बोले गोपियां बधाई हो ये बुढ़ी उम्र में मेरे को लाला के दर्शन करने को मिलो है ये तुम लोगों का आशीर्वाद से ये लाला मेरो नहीं ये लाला तुम लोगों का लाला हो जितने हैं जितने गोप लोग थे वो सबके समझे नंद बाबा को बधाई अभी आपका नंबर आएगा जोर से बोलना मैं बोलूँ बधाई हो अब जोर से बोलना बधाई हो बोले नंद बाबा बधाई हो बाबा ने उनको जीता गया ना हाँ ये गड़बड़ी करते हैं अभी जितने सब ब्रज गोपियां मैया जसोदा बली
हैं श्री नंदो वाले ब्रजवासियों बधाई हो बधाई हो। ये बुढ़े उम्र भी मुझे लाला की मुख दर्शन करने को मिलो है। लाला मेरो नहीं, ये लाला सब तुम लोगों को लाला है और सबके सब ब्रजवासी भगवान कृष्ण को बधाई दे रहे जी। Yeah.
महाराज कृष्ण को लेकर के गोकुल में रख करके गोकुल से बेटी को ले आए अंदर में, अपने आप दरवाजा बंद हो गया, हथकड़ी बड़ी पड़ गई और बेटी ने रोना प्रारंभ तो बहरा जग गई और कंस को बोले, कंस तेरे काल जन्म हो गया। कंस भागते भागते आया था, वो बेटा नहीं बेटी जन्म हुई। देवकी ने बहुत प्रार्थना की, तुम मेरे छह छह बच्चों को मार डाले हो, एक बेटी को तो छोड़ दे, कहाँ छोड़ने वाले। अभी तक तो वो थी जोग माया, लेकिन कंस पकड़ते ही हो गई महामाया। जब कंस पछाड़ने के लिए गया, इतने में वो देवी चरण की ठोकर से एक प्रहार की और आकाश में उड़ गई और अष्टभुजाओं को धारण करते हुए बोली, रे बूढ़ा कंस तो मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लिया। कंस देखा, ये तो मेरी कुल देवी
ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। खैर ये देवता लोग क्या मेरे साथ में बेईमानी की? फिर कंस ने उसका जितने अनुयायियों बुलाया, बताओ अभी क्या करनी चाहिए? पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया मेरा नाम ही पुतना, पुतना मतलब पुत, मतलब पुत्र, ना मतलब नहीं, बोला नाम ही मेरा पुतना है, मेरा पुत्र है ही नहीं, पर ये पुत का क्या काम है? मैं अपना मनमर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले एक महीना को अंदर में जितने बच्चे सबको मार डालो, इतने में पुतना स्तन में काल को विष लेकर के सीधा गोकुल में आ गई। सुखदेव गोस्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले पुतना लोक अग्नि राक्षसी रुधिरासना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले भैया पुतना का नाम क्या? पुतना, इसका दूसरा अर्थ होता है पूत मन पवित्र, ना मतलब नहीं जो अपवित्र है। पर भैया जो अपवित्र है वो अपवित्र पाप कहाँ प्रवेश करती है? बोले नजत्र श्रवणादिनी रक्त नानो स्वकर्मसु, वही पर ये पाप प्रवेश करती है जहाँ पर हरि का कीर्तन नहीं, भगवान की भक्ति नहीं हो, वहीं पर ही पाप प्रवेश करती है। और जहाँ पर स्वयं आनंद गंध कृष्ण आए, पर ये पुतना के आ गई, असंभव है। तब कहते हैं ये कृष्ण की इच्छा है, क्यों? अगर पुतना नहीं आती हम बैठ कर खा किसके सुनते? कंस नहीं होता कृष्ण का लीला होता, रावण नहीं होता रामायण होता। यद्यपि ये लोगों को देते हैं ये भगवान की शत्रु है, लेकिन ये दूसरे तरह से भगवान की लीला को मदद करते हैं। ये ठाकुर की इच्छा थी, ये पुतना जी आ गए। अभी जो पुतना आई, क्या उसकी मीठी मीठी हंसी, क्या उसकी चाल, क्या उसकी श्रृंगार अद्भुत थी। ऐसे लग रहा था मानो भगवान गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं अमल बन से निकल करके प्रभु का स्वागत करने के लिए आई। सीधा पुतना चली गई नंद भवन में, और मैया यशोदा श्री रोहिणी कृष्ण को पल्ले में झूला रहे थे, बड़े सुंदर भजन गा रहे थे। इतने पुतना सीधा गई, कुछ बोल चाल नहीं, एकदम कृष्ण को पकड़ करके उठा ली। जब उठा ली, इतने में कृष्ण आंख बंद कर देते। बोले क्यों आंख बंद करते हैं? श्री बल्लभाचार्य के 10 कारण बताएं, आपको मैं 3-4 कारण बताता हूँ। कृष्ण आंख क्यों बंद करे? बोले पहला कारण है, बोले तू कपटी हो, ऊपर में तो माँ की रूप धारण की, लेकिन अंदर में राक्षसी तन में जहर लेकर मारने के लिए आई। मैं दुष्ट व्यक्ति, जो कपट व्यक्ति का मैं मुंह देखना चाहता हूँ, भगवान ने आंख बंद किए। दूसरा कारण, बोले बच्चों मारने के लिए आई, बोले हाँ, बोले बच्चे बच्चे को मैं सिखा सकती, बोले इनको मारने के लिए आई हो, तेरे मुंह देखा नहीं जाता हूँ, इसलिए भगवान आंख बंद किए। तीसरा कारण बताए, अभी भगवान आए जगत में क्यों? बोले पैत्राण आए साधु नाम बिना साय दुष्कृता, भगवान आए क्यों? बोले दुष्टों को विनाश और संतों को पालन करने के लिए। प्रभु सबसे पहले श्री गणेश करने जा रहे हैं, बोले सबसे पहले पुतना को मारेंगे, लेकिन वो माँ की रूप धारण करते हुए आए। भगवान ने देखा, भैया अभी तो इसको मारूंगा, ये छटपटाएगी, इसको दुख कैसे मैं देखूंगा, इसका दुख कैसे मैं देख सकता हूँ, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। चौथा कारण बताए, बच्चों का स्वभाव है, अपना परिवार के कोई होना सामने तो खेलते कूदते हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए डर जाते हैं, बोले ये दाढ़ी कहाँ से आ गई, इसको कहीं मैं देखो ना, इसलिए प्रभु ने आंख बंद कर दी। पंचमा कारण लाए, बोले भैया ये पूर्व जन्म में इसने कौन सा पुण्य की? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बोले जनामा जनामा मोनि जगा ना कराई, जनामा जनामा आ बताना है।
जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतिम समय में रोहत नाम नहीं आता, लेकिन ये पुतना पूर्व जन्म में क्या पुण्य की जो मेरे गोद में उठा रही है, जनों कोई पूर्व जन्म की है, इसलिए ठाकुर जी आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म कर दे रहे हैं। बोले सचमुच से ये पूर्व जन्म में ये कौन रत्नमाला बलि महाराज की बेटी थी, जब मैं बामन बनकर गया था इसकी मन में इच्छा हुई थी क्या ये मैं कभी ताप बनेगा, कब इसको मैं स्तन पान करा पाऊंगी वही। इसलिए भगवान देखे उसका छठवां कारण बताए, भगवान की गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, अभी उस स्तन में जहर लेकर के आई, अगर भगवान खाएंगे तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। इसलिए भगवान आंख बंद करके श्री भोले बाबा को याद किए, बोले भोले जल्दी आओ। बोले क्या बात है, तुम्हारा काम है बीज पीना और मेरा काम है दूध पीना, तो बीज बीज को पी लो और मैं दूध दूध पी ले रहा हूँ। इसलिए प्रभु आंख बंद करके श्री शंकर जी को स्मरण कर रहे थे। इतने में भगवान स्तन का पान करेंगे, इसको प्राण को शोषण की। पुत्रा बोले भैया ये 6 दिन का बच्चा ऐसे लग रहा है मेरा प्राण को डर रहा है, छुड़ाने के लिए कोशिश की। भगवान ने कहा देखो मैं सहज में किसको पकड़ता है नहीं, लेकिन एक बार किसको पकड़ लू ना मैं कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि भगवान बड़े दयालु है, ठाकुर जी बड़े दयालु। बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु, ठाकुर जी करुणा के समुद्र है, दीन का बंधु है बांकी नारी, इसलिए मैं तो किसको छोड़ना सिखा नहीं, चरण में नहीं पहुंचा दू। इतने में पुत्रा ने अपना स्वरूप में आ गई, विशाल स्वरूप धारण की, बल किसी तरह से उसको उड़ा करके कंस को पास में ले जाऊं, मेरी भैया से काम करेगी। लेकिन उनको उड़ाते हुए कंस का एक सुंदर बगीचा थी, सीधा पुतना को लेकर के बगीचा में धड़ाम गिराए और जितने पेड़ पौधा सब के खत्म। हाँ देखो हरे कृष्णा, जितने माताएं जितने पिताएं, अभी ध्यान देकर सुनो, बहुत हमारे टीकाकार लोग संत लोग बहुत एक अच्छी शिक्षा देते हैं, चीज को अच्छे तरह कम से कम कथा से आज इतने से चीज लेकर के जाना, ठीक है, लेकर जाओगे कि नहीं। देखो क्या कहते हैं, पुतना को वो जो बगीचा थी कंस का सबसे सुंदर बगीचा, जिसमें फल फूल से भरा पड़ा हुआ था, लेकिन कंस का आदेश था ये बगीचा की कोई भी फल फूल कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा में नहीं लगी, मेरे और मेरे अनुजाई जितने राक्षस लोग हैं ना ये सबके सब इसको खाएंगे। भगवान ने काम किया, उपनिषद में कहते हैं ईसा वासंग मिदं सर्वं जग किंचित् जगत् अर्हति, इसका मतलब है ये दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं भगवान ठाकुर जी बनाया हुआ। भगवान कहते हैं जो कुछ खाओ मेरे को दे करके खाओ, मेरे को दे करके खाओ, वो कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए कृष्ण गीता में कह रहे हैं हुन जानते तो अगम पापा, माताएं ध्यान देकर सुना, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो चीज मुझे भोग नहीं लगता है वो केवल पाप ही भोजन करते हैं, और मन संहिता में बताए जो चीज भगवान को भोग नहीं लगता है बोले स्वान विष्टा समाचारना, वो जो दाल सब्जी रोटी नहीं कहते कुत्ते के विष्टा के बराबर है, ये मनु संहिता कहता है। इसलिए शास्त्र में बताया जो कुछ खाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगा, क्या करो ठाकुर सामने रखो, कृष्ण होएंगे राम होएंगे उनको सामने तुलसी पता दे दो और ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी आप प्रसाद खाओ, थोड़ा 2-4 मिनट रख ले ठाकुर के सामने, फिर उसको अपना बच्चों को खिलाओ पतियों को खिलाओ। आप देखना कृष्ण गीता में ये श्लोक है कहते प्रसादे सर्व दुखानां अनिरस्त उपजायते, कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं उनको घर में कभी कोई दुख कष्ट नहीं आता है, ये कृष्ण कह रहे हैं। बोले प्रसादे सर्व दुखानां, मेरे प्रसाद पाने से घर का सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं, घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, कृष्ण खुद कहते हैं। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, आप टीवी में कृष्ण लीला देखे हो, कृष्ण लीला की देखेंगे नहीं टीवी में देखे होंगे, बोले जिस समय कृष्ण सुदामा अपना गुरुकुल में गए थे, ध्यान देकर सुनो कथा को,
ध्यान देकर सुना। जब जिस समय कृष्ण सुदामा गुरुकुल में गए थे, एक दिन कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, उन लोग गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया, बोले सुदामा कृष्ण को दही करके खाइए, अब टीवी में देखे होंगे। लेकिन सुदामा ने किया, कृष्ण को बिना दिए और छुपा छुपा कर खाए। कृष्ण सब जानते हैं, सब जानते हैं कृष्ण, ले तेरे को इसका फल भुगतना पड़ेगा। इतने गरीबी बने सुदामा, इतना गरीबी बना, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, क्यों? भगवान को बिना दिए छुपा कर खाया, बड़े गरीबी उठाया। लेकिन जब उसकी पत्नी को पता चला, इसकी बचपन का दोस्त अभी द्वारकाधीश है, एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने बोले, मैंने सुना तुम्हारी दोस्त है अभी द्वारकाधीश भगवान है, जाओ ठाकुर के पास में जाओ, ठाकुर तुम्हारी दरिद्र अवस्था कर जरूर देंगे। बोले नहीं, खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए। सुशीला ने दो मोटी चिड़वा लेकर गए और सुदामा चिड़वा लेकर गए, ठाकुर सब जानते हैं। लेकिन सुदामा कृष्ण को देना नहीं चाह रहे थे, बोले क्यों? बोले राज राजेश्वर कहां भगवान, सूखा चिड़िया दूंगा ठाकुर का पेट खराब हो जाएगी। लेकिन भक्तों का वस्तु भगवान का बड़ा प्यारा होता है। बोले सुदामा भाभी ने कुछ भेजा नहीं? बोले नहीं। बोले ये बगल में क्या दबा करके रखे हो? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं लगता है कुछ है? भगवान जोर जबरदस्ती छीन लिए, पोटली को खोले, एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए। जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे, माँ रुक्मिणी हाथ पकड़ती, बोले नहीं और मत खाया करो, दो मुट्ठी खा लिया ना, उसकी घर में जितने राज ऐश्वर्य घर में पहुंच गया, अगर आप तीसरे मुट्ठी खाओगे, मैं जो लक्ष्मी उसको घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा प्रभु, और मत खाया करो। अब टीवी में देखे होंगे, जब सुदामा घर में वापस आया ना, देखा सोने का महल बनी, उसकी पत्नी को पहचान नहीं पाया, पत्नी राज रानी बनकर के बैठी हुई, हजार हजार दासियां उनके चरण की सेवा कर रही थी। बोले ये क्या? बोले ठाकुर के लिए दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर जी दो मुट्ठी चिड़वा खाए ना, तुमको राज ऐश्वर्य राधा भी दे दिया। समझ गए कि नहीं? जितने माताएं ध्यान देकर सुना, इतना करना, घर में जो खाना बनेगी क्या करो, सबसे पहले भगवान को तुलसी पत्र से भोग लगा। ठीक है, करोगे इतना काम, कौन कौन करेगा? अगर घर में भोग लग रहा तो खुद देख लेना, घर का जितने तुम्हारी दुख कष्ट है कभी नहीं रह सकती, कृष्ण खुद कहते हैं। हाँ, और एक चीज को ध्यान देकर सुनो, अगर उसमें प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते, अगर प्याज लहसुन डालोगे भोग नहीं लगेगा, इसका मतलब प्याज लहसुन हमें त्याग देनी चाहिए। अभी नवरात्रि कर रही थी, कौन कौन नवरात्रि कर रही थी सब जगह, ये 9 दिन तक प्याज लहसुन खाए हो? नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? ये चीज माता को पसंद नहीं, माता को पसंद नहीं। क्या मैया को 9 दिन के लिए केवल खुश रखो, प्याज लहसुन मत खाओ, फिर खा करके उनको नाराज कर दो? हाँ देखो, ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाती है, ये पुराण में दो कथा है, इसमें दो कथा आती है। पहला कथा आती है, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब मोहिनी ये पहले देवताओं को अमृत बांट रही थी, इतने में एक दैत्य था जिसका नाम है सुभान, उसने देखा लगता है भैया कुछ गड़बड़ी है, हो ना हो ये मोहिनी सारे देवताओं को अमृत पिला दी है, उन्होंने चंद्र सूर्य बीच में बैठ गया और अमृत पी लिया। इतने में चंद्र सूर्य देख लिया, ठाकुर को इशारा किया, ठाकुर जी ये देवता नहीं ये दैत्य है, भगवान ने चक्र को बुलाया, गला काट दिए, काट दिए तो जहां पर उसकी मांस गिरा वहां पर ये प्याज की पौधा हुई। देखना मांस का रंग जैसे लाल लाल है, ये प्याज की रंग भी वैसे। आप कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू आएगा, किसी को सामने बात नहीं कर सकते हो, अगर यहाँ प्याज कटेगी ना ये दूर तक तो पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है। जब प्याज काटते हो आंखों से आंसू भी निकल आती है, आंसू भी, इसलिए कोई भी ठाकुर जी की सेवा में ये चीज नहीं लगती। क्यों? ये राक्षस का मांस सृष्टि, ये राक्षस की मांस सृष्टि हुई। आप अपना परिवार में देख लेना, एक दो पीढ़ी पहले अपना परिवार में देखना, अपना किसी परिवार में नहीं आता था, क्योंकि पहले हर हिंदू लोग
पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे। हर हिंदू लोग क्या करते थे, ठाकुर जी को भोग लगाकर खाते थे सबके सब घर में, करते नहीं। हर हिंदू लोग चोटी रखते थे, गला में कंठी पहनते थे, तिलक लगाया करते थे, गीता रामायण भागवत पढ़ते थे। पहले हर हिंदू घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा भक्ति हर घर घर में होती थी, मगर भोग लगाए कोई खाते नहीं। इसलिए ये चीज को हमारी हिंदू घर में नहीं चलता था, इसको जितने मुसलमान लोग जितने नीचे जाता लोग खाते थे और कोई नहीं खाते इस चीज को। लेकिन धीरे 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 ये धीरे हम सबके सब खाना शुरू कर दी। लेकिन हम क्या कहते हैं भैया, प्याज बगैर स्वाद नहीं, प्याज स्वाद नहीं, बदबू आता है। लेकिन वो बदबू को हमने स्वाद बना दिए। हम कुछ दिन मात्र ये प्याज मशरूम मत खाओ, देखना जहाँ प्याज कटेगी आप बैठे भी नहीं सकते हो, आपका सर दर्द करना शुरू हो जाएगी। बैठे जैसे शराब है, शराब अच्छी है लेकिन जो शराब पीता है उसको अमृत लगता है। ऐसे ही जैसे वो आदत बना ली, हम भी ये प्याज लहसुन खा खा करके अपना बुरे आदत हमने भी बना दी, बुरे आदत हमने बना दी है। इसलिए कोशिश करना, और जहां पर उसकी हड्डी गिर पड़ा वहां पर ये लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून की बूंद गिरा वहां पर मसूर डाल हुई। इसलिए आप हिंदू लोग देखना, पहले ये तीन चीज को घर में कोई नहीं घुसा करते थे, बोले ये पाप से सृष्टि है। ये एक कथा है। दूसरी कथा आती है, पहले ऋषि मुनि लोग घर में गैया पालते थे। अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी, वो बूढ़ी गैया को मरने नहीं, यज्ञ करके यज्ञ में उसको बलिदान देते थे। ऋषि जब मंत्र पढ़ते थे फिर बूढ़ी गैया जवानी बन जाती थी। बूढ़ी गैया, कोई गैया बूढ़ी हो गई, आश्रम में यज्ञ किया और यज्ञ में आहुति डाले, सबको हाथ में मांस दे दिया। हर तरह के लोग होते हैं, किसने मांस दे करके खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने मैं खाऊं कैसे, बोले उसको राख में छुपा देता हूँ। उसने छुपा दी, सबके सब आहुति डाले, ऋषि ने मंत्र पढ़ा, बूढ़ी गैया को जवानी बन कर निकली। लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था वहां पर देखा घा बना हुआ, वो भरा नहीं। ऋषि ने ध्यान लगाया ये भरा नहीं क्यों, देखा किसी ने मांस खाने के लिए उसको राखों में छुपा दिया। फिर ऋषि ने अभिशाप दे दी, बोले जाओ जहां पर ये मांस को गाड़ दिए वहां पर प्याज की पौधा होगी, जहां पर हड्डी गाड़ दिए वहां पर लहसुन होगी, जहां पर खून का बूंद गिरा वहीं पर मसूर की दाल होगी। इसलिए हमारी हिंदू जाति में ये सब कोई नहीं खाते। कोई ठाकुर का सेवा पूजा में लगाते हो, भगवान राम की, कृष्ण की, नारायण की, देवी की किस भाव में ये जगती हैं? बताओ कोई लगाते हैं? कोई नहीं लगाते। क्यों? इसका जो सृष्टि है वो गंदी चीज से ही इसकी सृष्टि हो। कोशिश करना धीरे धीरे ये चीज को छोड़ करके पवित्र रूप में बनाओ। ठाकुर जो कितने तरह का मसाला, कितने तरह का गर्म मसाला आ गया, हींग डाल दो, जीरा डाल दो, अदरक डालो, देखो सब्जी का जो असली स्वाद आएगा। लेकिन प्याज डालने पर सारे स्वाद को खत्म कर दिया, उसमें केवल बदबू बदबू, प्याज की बदबू आ गई। कहते तो बढ़िया टेस्ट आ रही, वो टेस्ट नहीं, वो बदबू है। और जो चीज ठाकुर नहीं खाते हैं वो चीज फिर हम क्यों खाए, वो चीज हमें नहीं खानी चाहिए। ठीक है ना? धीरे धीरे कोशिश करना शुद्ध होकर के भगवान की भक्ति करने के लिए। कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अगर भगवान की प्रसाद खाओगे तुम्हारी खून भी प्रसाद से बनेगा, ब्रेन भी बनेगा, इतने शांति। देखना आपके घर में, ध्यान देकर सुना, अपना घर में रोज खाना बनती है, रोज रोज खाना बनती। अगर कोई एक अच्छी दिन आ जाए, कोई सेवा पूजा की दिन आ जाए, जिस दिन ठाकुर को भोग लगता है, देखना उसी दिन बगैर प्याज लहसुन के बनता है, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, देखना रोज घर में तो खाना बनती है, लेकिन उसी दिन खाने में देखना एक अलग स्वाद आती है। आती है कि नहीं? आती कि नहीं? आती है। बोले क्यों? भगवान को भोग लगाया, ठाकुर जी की भोग लगाया। अगर घर में रोज ठाकुर को भोग लगे, देखना घर में कभी दारिद्रता नहीं आएगी, घर में कभी दुख कष्ट नहीं आएगी, घर धन दौलत में भर जाएगी तुम्हारी घर, और घर में कभी दुख कष्ट नहीं आएगी। कृष्ण खुद कहते हैं
मेरी प्रसाद जो खाता है घर में कभी दुख कष्ट नहीं आएगी, उसका घर में आनंद आनंद ही उसका घर में होगा। ठीक है, कोशिश करना इतना काम करने के लिए। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय। हाँ एक मिनट कीर्तन कर लो मेरे पीछे पीछे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सब मेरे पीछे पीछे बोलो अजामिल की कथा आती है। ये अजामिल बहुत बड़ा पापी था लेकिन कभी इसकी घर में कोई संत आए और उन्हें संतों की सेवा दी तो संतों ने देखा भैया इसका कल्याण कैसे करें, जिसके घर में कुछ खाए उसका कल्याण भी तो करनी चाहिए। अगर इसको डायरेक्ट बोले ना तो कृष्णा कृष्णा राम राम बोले ये बोलेगा नहीं। अभी उसकी पत्नी थी गर्भवती, बोले देखो एक काम करियो तुम्हारी पत्नी की गर्भ में एक बच्चा है, वो बच्चा जब जन्म लेगा ना उसका नाम नारायण रखेंगे। क्या नाम रखें? क्या नाम? उसका नाम नारायण रखेगा। और छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, बेटे को जितना बार बुलाएगा क्या नाम आएगा? नारायण नारायण नारायण। अभी दिन रात नारायण, बोले बेटा नारायण बेटा इधर आ जा। नारायण तू कहाँ हो? नारायण मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ बेटा। नारायण मेरे गोद, अभी बात बात में नारायण नारायण नारायण। अभी उसकी मृत्यु का समय आया। हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से सारे कर्म करते हैं, अभी मरते समय उसका तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए और उनको देख करके इतना डर गया और दूर में देखा उसका बेटा खेल रहा है नारायण। बोले बेटा नारायण, अब बताओ कितना खैर नारायण है? नारायण बेचारे खैर। एक तरफ में तीन जमदूत लेने के लिए, जब उन्हें नारायण नाम लिया दूसरे तरफ में कहा विष्णु तो आ गया। अभी दोनों में घमासान लड़ाई में, जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे, विष्णु तो कहते हैं हम ले जाएंगे।
अब सब ध्यान दे माताएं भाइयों को सुनो, अगर बच्चे का नाम अगर भगवान के नाम रख लो, अगर भूल से भी बच्चे को और भगवान के नाम से बुला दो, इसकी कितने पुण्य है, इस चीज को अच्छे तरह से समझो। अब सुन रहे कि सब क्या ध्यान देकर सुनो कथा स्मृति से। इसलिए अभी क्या हुआ, अभी दोनों में लड़ाई हो रही है, इसको कौन ले जाएगा। जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे। विष्णु दूत ने पूछा क्यों ले जाओगे, बोले आपको पता है ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, सारे सद्गुण था। एक दिन जंगल में तो लकड़ी लेने के लिए गया था, देखा एक शूद्र और एक शूद्राणी को दोनों में शराब पी करके मिल रहा है, विवस्त्र होकर कोई कपड़ा नहीं। अब उसने देखने लग गया, मानो उसका हृदय में वो फटो खींच गई। अभी जब घर में वापस आया वो बारंबार वही शूद्राणी की शूद्राणी की याद आता है। उसने अपना पत्नी को त्याग दे दिया और वो जो शूद्राणी वेश्या था और उसको साथ में साथ कर लिया और अपना पत्नी को त्याग दे करके वो शूद्राणी को साथ में रहा। और उससे हुआ 10 बच्चे। अभी जो सबसे जो छोटा बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया। जब दूत कहे हैं वो अपना पत्नी को त्याग दी, एक शूद्राणी वेश्या को साथ में रहा, उसको हाथों में अमेध्य कुमेध्य भोजन की, और ये 10 बच्चों को पालन करने के उसने चोरी गुंडागिर्दी हर तरह का पाप कर्म किया, इसलिए सीधा ये नरक जाएगा। देखो विष्णु क्या कहते हैं, बोले भैया पुण्य भी तो कुछ किया। बोले क्या पुण्य किया, बोले अभी जो नारायण नाम लिया। बोले बाप सारा जीवन पाप करते जाओ और मरने से पहले एक बार नारायण ले लो, हो जाएगी, एक बार नारायण नाम लेने से हो जाएगी। तब विष्णु जी कहते हैं मूर्ख हो, तुम्हें पता है भगवान के नाम में कितने शक्ति है। बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए भगवान के नाम हरि से भी बढ़कर के हरि का नाम है, भगवान का नाम है, भगवान से अभिर्मनु का नाम है। उदाहरण दिया है जैसे भूस का एक ढेर हो, भूस का एक ढेर हो, अगर उसमें आग की एक चिंगार गिर पड़ जाए क्या होगा, जला करके राख कर देता है। उसी तरह भले ही पाप क्यों नहीं किए हो, अगर इसी तरह से प्रभु का नाम मुंह से निकल गया बड़ा पार हो जाएगी, बड़ा पार हो जाएगी। हाँ इतने फिर जमदूत रहते हैं, बोले भैया भगवान को बुलाया, वो तो अपना बेटे को बुलाया था, किसको बुलाया था, उसने अपना बेटे को बुलाया था। देखो विष्णुदूत क्या कहते हैं, बोले बेटा का जो नाम नारायण था वो नारायण किसका नाम है, बोले भगवान का नाम है। किसका नाम था, ठाकुर जी का नाम उसको दी गई थी, ठाकुर जी की नाम उसको दी गई थी, लेकिन नाम किसके हैं, वो ठाकुर जी के है। तब श्री जमदूत कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे, बोले सांकेत्यम परिहासम महलन नवला, बोले चार तरह के, बोले कैसे कैसे, पहला नंबर है सांकेत्य, मतलब इशारा, जो बेटा का नाम कृष्ण रख दिया, बारंबार बेटा कृष्ण इधर आ जा, राम तू कहाँ हो, है इसको संकेत कहते हैं, इसको संकेत कहते हैं। इसलिए भगवान का नाम अगर हंसी दिलक से अगर बोल दिया, अरे कृष्ण कृष्ण करने से क्या होता है, इससे भी कल्याण हो जाएगा, इससे भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए उसने जो बेटा का नाम जो नारायण रखा था, उसने जो अपना बेटे को लास्ट समय में याद की, इसी से ही मुक्ति हो गई। इसलिए पहले पहले लोग क्या करते थे, जिन्हें बड़े बूढ़ों का नाम देखो, जितना पूछ लो जितने बड़े बूढ़ों का नाम, कृष्ण गोविंद दामोदर यही होगा ना, सबके सब सबके साथ, और जितने माताओं का नाम बड़े बूढ़ियों का, सीता गीता लक्ष्मी यही। लेकिन अभी छोटे बच्चे को टुन्नो मोलो बिंगी, ये विदेश में जितने कुत्तों का नाम है ना, सब ये विदेश में कुत्तों का नाम है, अभी सब बच्चों का नाम कुत्तों का नाम देते हैं। बोले अरे पुराना समय का नाम था कृष्ण गोविंद, अब तो हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे, विदेश अमेरिका भेजेंगे, इनको अमेरिका भेजेंगे पैसा कमाने के लिए, इसलिए वो पुराना का नाम नहीं। वृंदावन कौन सुना आयो,
वृंदावन कौन कौन आए, वृंदावन वहां पर एक इस्कॉन मंदिर है, कभी वहां पर जाना। और अंग्रेजी बच्चों को देखना, छोटे छोटे अंग्रेजी बच्चों को देखना, वो अंग्रेजी बच्चों का नाम पूछना, क्या नाम सुनोगे, वो विदेशी लोग होकर के अमेरिका के लोग होकर के बच्चों का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर माधव। अब किसी बच्चे को, जितने लड़कियों को गीता सीता सावित्री, उनको नाम राधा ललिता विशाखा। अब देखो तेरा, हम कहना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, हम अंग्रेजी। अब जाना वृंदावन है, उनको देखना बोले हरे कृष्ण राम राम राधे राधे। वो ये लोग ये नाम करते हैं। हम रसिया में प्रचार करने के लिए जाते हैं, रसिया में, मैं रसिया में जाता हूँ, वहां पर लड़कियां, वहां पर जो सरकार है ना लड़ रहा है, लड़कियां बोले क्या कहती हैं, कहते हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाएंगे। रसिया की लड़कियां लड़ाई करते हैं सरकार से, हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जा सकते। लेकिन हमारे देश का लड़कियां कहते हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाएंगे, ये कहते हम जीन्स क्यों नहीं पहन करके कॉलेज नहीं जाएंगे। देखो कैसे उल्टा हो गया, वो हमारी शिक्षा को ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को ले रहे हैं। वो दुखी होकर के, उनकी कल्चर से दुखी होकर के हमारी इंडियन कल्चर का स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग हिंदू हैं, हमारे मूल ग्रंथ भगवद गीता, हमारे ग्रंथ कौन सा है, भगवद गीता। किसको पूछो, कोई छोटे लड़का लड़कियों को कोई गीता का श्लोक याद है, कोई बता सकते हो गीता का श्लोक, कोई याद, कोई नहीं बोलेगा। बोले कौन सा हीरो का नाम क्या, सब याद होगा, कौन हीरोइन का नाम, कौन प्लेयर का नाम, जितने जितने गंभीर चीज को हम याद करते करते बैठे। लेकिन गीता का कुछ लोग हमें याद नहीं। मैं कुछ दिन पहले कथा करने के लिए गया था, सुनो ध्यान देकर सुनो, मैं कुछ दिन पहले कथा करने के लिए जयपुर गया था। मैं कथा करते हुए आ रहा था, एक मुसलमान 5 साल का लड़का, एक मुसलमान लड़का से मैंने देखा, मैंने उसको पूछा तेरा नाम क्या, वो नाम से पता चला मुसलमान। ध्यान देकर सुनो, वो 5 साल का बच्चा, मैंने उससे पूछा तेरे को कुरान याद है, वो छाती को फुलाते हुए बोले हाँ मेरे को कुरान याद है। मैंने कहा बोलो तो कुरान बोला तो झटाझट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र में तुमको कुरान पढ़ाई जाती है। देखो मुसलमान लड़का क्या कहता है, कहते मुसलमान धर्म में कंपल्सरी जब 2 साल का वो बच्चा होगा उसको जरूरी उसको कुरान उसको सिखाएंगे पढ़ाएंगे, कंपल्सरी 2 साल उम्र में उसको कुरान सिखाई जाती है। हम लोग तो यहाँ मुसलमान इतना नहीं, अब देखेंगे जहाँ मुसलमान देखना, शुक्रवार के दिन देखना छोटे छोटे बच्चों को सर पर टोपी पहना करके उनको लेकर के मेन रोड, हम दिल्ली में रहते हैं कहीं जाते हैं कथा के लिए, मेन रोड को बंद कर देते हैं, गाड़ी घोड़ा बंद हो जाती है और धूप में बैठ करके वो अपना कुरान को पढ़ते हैं। उठना बैठना प्रणाम करना कुरान को, कहीं ट्रेन में जाते होंगे कहीं अल्लाह अकबर सुन जाए ना, वो ट्रेन में बैठ करके इतने धर्म की निष्ठा है। ये जितने धर्म है ये कब आया है, कोई 1500 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, इसको पहले कोई धर्म नहीं था, जगत में कोई धर्म नहीं था। अंग्रेजी ये क्रिश्चियन अभी कितना साल चल रहा है, 2018, मतलब ये शुरू कब से हुई, 2018 साल पहले हुई, उसको पहले कोई धर्म नहीं था। मुसलमान धर्म 1500 पहले इसका धर्म कोई नाम निशाना नहीं था, लेकिन हमारी धर्म सनातन धर्म ये सृष्टि की पहले से, सृष्टि की हमारी गीता भागवत ये सृष्टि के पहले से धर्म है हमारी। ये धर्म आई कहां से, भागवत में बताए सर्वप्रथम भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सत्य युग में दिया। ब्रह्मा जी किसको दिया, उसने दिया श्री नारद जी को, नारद जी किसको दिया, फिर व्यास देव को दिया, व्यास देव जी किसको दिया, श्री सुखदेव गोस्वामी को। ये गुरु परंपरा में ये सत्य युग से धर्म यहाँ तक आई। हमारे धर्म सनातन धर्म में हम लोग साधारण नहीं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है सारे उल्टा पुल्टा चीज को पढ़ सुन करके हम याद कर लेते हैं, लेकिन अपनी जो धर्म ग्रंथ जो गीता भागवत से हमारी कोई मतलब नहीं। इसलिए क्या करना, घर में जरूर गीता भागवत रखना, जिस घर में गीता भागवत ग्रंथ शास्त्र है उसको घर में भगवान की निवास है, उसके घर में ठाकुर जी की निवास उसी घर में। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ा देंगे, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपया
स्मार्टफोन पढ़ा देंगे बच्चों को, जिसमें जीवन बिगड़ जाए, जीवन सत्यानाश हो जाए, लेकिन बच्चों को ये नहीं कहते बेटा तू गीता का कोई एक श्लोक पढ़, नहीं तू एक रामायण पढ़ो, नहीं तो तुम कोई एक माला भगवान की कोई एक माला जप करो। बोलते हैं कभी बच्चों को, कोई पिता माता बोलता है बच्चों को बेटा थोड़ी सी गीता रामायण भगवत पढ़। एक इंडोनेशिया की कंट्री है, मुसलमान कंट्री, वो हमारे देश से संतों को बुला कर ले जाते हैं, कहते रामायण हमें सुनाओ। बोले क्यों, रामायण ऐसे एक अद्भुत ग्रंथ है, भगवान राम सवेरे उठ कर क्या करते हैं, बोले प्रातः उठाए उठाए रघुनाथ मात पितो गोरुना माई माता। भगवान सवेरे उठ कर पहले पिता माता को प्रणाम करते हैं, गुरुजन को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर कोई है जो सवेरे उठ करके पहले पिता माता को प्रणाम करते हो, कोई एक बिना हाथ उठा दी, अच्छी बात है, अपने लहाज लग रखा है। इसलिए पहले सवेरे उठकर पहले क्या करो, पिता माता को पहले चरण छुओ, गुरुजन को पहले चरण छुओ, उनके आशीर्वाद से ही भले। तो कहाँ से सीखोगे, रामायण पढ़ो तभी तो सीखोगे। जितने घर में नाटक नावेल उल्टा पुल्टा तो पुस्तक पड़ा होगा, तो उसको पढ़ोगे तो तुम सीखोगे कहाँ से। ठीक है बच्चों, क्या करना, कम से कम अभी तो मोदी आ करके अभी तो उन्होंने स्कूल में अभी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कपल सरी भगवत गीता हो हमारी हिंदू है संस्कृत जो भगवत गीता हर स्कूल में ये गीता पढ़ाया जाए। अभी कोशिश कर रहा है जैसे गीता ग्रंथ हर स्कूल में बच्चों को ये गीता पढ़ाया जाए, जिससे हमारी संस्कृति बच्चों को पता चले, हमारी संस्कृति बच्चों को बचा चले। ठीक है ना, सबके सब क्या करना, सवेरे उठ करके गुरुजन को प्रणाम करो, पिता माता को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद से ही हम सुखी और शांति में रहेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ देखो, अभी अजामिल और श्री जमदूतों में और विष्णुदूतों में लड़ाई हुई, और लड़ाई में जमदूतों ने जमदूतों को विष्णुदूतों मार मार कर भगा दिया वहां से, और जमदूतों ने जम महाराज को पास में गए और अपना अस्त्र शस्त्र को चरण में रख लिया। बोले आपकी और नौकरी हम नहीं करना चाहते हैं, आपकी कोई नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बोले क्यों, बोले एक बहुत बड़ा पापी था अजामिल, उसने सारा जीवन पाप किया, पता नहीं कहां से चार हाथों वाले आ गए और बड़े अपमान किया, हम घर से निकाल दिए हमको मार मार करके। आपकी नौकरी नहीं करना, हरे कृष्ण, आपकी नौकरी नहीं करना, आपका नौकरी नहीं करना, ये अस्त्र शस्त्र को आप लो। देखो ध्यान देकर सुनो, इतने में श्री जब महाराज प्रश्न करते हैं, बोले ये बताओ वो मरते समय उसने कुछ याद किया था, कुछ बोला था। बोले हाँ, उससे मरने से पहले एक बार केवल भगवान श्री नारायण का नाम लिया, बस इतना सुनते ही बोले मेरे प्रभु का नाम लिया, मेरे प्रभु का नाम लिया। इतने बोले आपका भी कोई प्रभु है, बोले भैया हम तक नौकर हैं, हम तो सेवक है, वो हमारा प्रभु है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इधर आ जाओ प्रभु जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्या नाम है इनकी, शुभ नाम राहित राम यादव। ठीक है, भगवान जी की कृपा करे, खूब फलते फूलते रहे और देश की और ये सब के सब सेवा करे जनता की। ठीक है, जोरदार ताली बजावन के लिए। एक चेयर दे दो बैठने की, तो एक चेयर दे। चेयर नहीं गई, पर चेयर दे दो, यहाँ बैठ जाए, बैठ बैठ। बोले गोविंद जय जय जय।